हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ साथ के इसके अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो डालता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीजीटी टीचर बन रहे हैं या टीजीटी टीचर बन रहे हैं तो लैंग्वेज टीचर बनना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो केवीएस ने आज की तारीख में, आज तारीख है 8 है जो भी है, 8 नवंबर 2023 एक सर्कुलर निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि केवीएस अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कितनी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है और कितना कर्तव्य है अपने काम को करने के लिए। तो हुआ क्या, 2022-23 में जो सीबीएसई का 10th-12th का रिजल्ट था उसमें बहुत सारे केवी स्कूल्स का जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था। तो केवीएस ने सर्कुलर निकाल दिया उन सभी केवीएस के टीचर, ये सर्कुलर उसी के रिगार्डिंग पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि ऑफिसर्स है, नॉमिनेटेड ऑफिसर्स है, ये जाएंगे उन केवीएस में जिनका 10th और 12th का रिजल्ट 2022-23 का अच्छा नहीं था और वजह पता करेंगे कि क्या वजह थी। तो आप लोगों के पास मैं वही कह रहा हूँ, केवीएस अबव मतलब काफ़ी अच्छा संस्थान है बच्चों के लिए, तो स्पेशली तो देखिए क्या क्या है। तो बहुत सारे केवी है, सभी जगह लिखा हुआ है कि कौन से केवी में परफॉर्मेंस बेकार गया, अच्छा गया, बेकार वाले ये सारे, मतलब बेकार मतलब अप टू द मार्क नहीं गया, वहाँ पे ये सब आएंगे जो भी इनके ये नॉमिनेटेड ऑफिसर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके बच्चों से पूछेंगे कि जो भी होगा पता करेंगे कि वजह क्या है। अगर टीचर की वजह होगी तो उन्हें मेमो मिलेंगे, नो डाउट। तो इसीलिए केवीएस को द बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, हर एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। धन्यवाद।